बाबा साहब बैरिस्टर होने के बावजूद, डीएससी होने के बावजूद, एलएलडी होने के बावजूद, बाबा साहब के पिताजी और बाबा साहब में झगड़ा चलता है, झगड़ा होता है। बाबा साहब के पिताजी कहते हैं कि मैंने आपको नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं कराई है, मैंने आपको नौकरी करने के लिए तैयार नहीं किया था, मैंने आपको इस समाज की मूवमेंट चलाने के लिए तैयार किया। और बाबा साहब को जब ये बात पता चलती है, हम जिसको संकल्प दिवस के नाम से जानते हैं, बाबा साहब अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई वापस चले जाते हैं, उस सूरत में बाबा साहब बड़ौदा में बाबा साहब संकल्प लेकर चलते हैं कि मैं आज से ये मूवमेंट चलाऊंगा। और उसी परिवार में जन्म लेने के बावजूद अगर मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करने का काम, नौकरी करने का काम करता रहूं, तो फिर मेरा इस अंबेडकर परिवार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। ये बात मेरे दिमाग में कहीं तो मेरे को चुभ रही थी, फिर ये अंबेडकर परिवार में जन्म लेने का मतलब क्या है, मतलब क्या है? और इसलिए फिर मैंने तब से 2008 से मैं इस मूवमेंट में हूं, 20 at the age of 25, आज मैं 35 का हो गया हूं। मैं 2008 से आज 2018 10 साल हो गए, मैं 10 साल में आज मेरा नाम आप लोगों के पास आ रहा, 10 सालों के बाद मैं पूरा 10 साल ये पूरा महाराष्ट्र हो, पूरा आजू-बाजू के जितने भी स्टेट्स हो, पूरा भारत घूम रहा हूं। और फिर ये मूवमेंट मैं इसलिए नहीं लड़ रहा कि मुझे यहां पर आपका कोई नेता बनना है, मुझे आपके यहां से कोई सीट लड़नी है, या आप मुझे कोई एमएलए एमपी या कोई सीएम बना दोगे। मैं तो इतना देखिए, मैं अभी पिछले मई महीने में यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस के लिए गया था जो थाईलैंड में हो रही थी। 85 कंट्रीज के प्रतिनिधि कहने से अच्छा है कि वहां के देश के इंटेलेक्चुअल्स भेजे गए थे। श्रीलंका के वाइस प्रेसिडेंट वहां पर थे, थाईलैंड का राजा किंग वहां पर था, सारे नीचे बैठे हुए थे। यानी बाबा साहब ने हमारा कितना काम करके रखा है, ये आपको बताना चाहता हूं। हम जब घूम रहे थे लंच आवर्स में, जैसे हम लोग सब इकट्ठा हुए लंच लेने के लिए, सब लोग एक दूसरे को मिल रहे थे, फोटो निकाल रहे थे, उसी समय वो थाईलैंड में जब ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी महाचुला लौकॉम यूनिवर्सिटी में, तो वो यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा था, 50,000 to 80,000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में थे, अलग अलग 85 कंट्रीज के इंटेलेक्चुअल्स वहां पर थे। चाइना के लोगों ने जब हमको देखा, चाइना के लोग हमको पूछते हैं विच कंट्री, हमने भी उनको जवाब दिया इंडिया। क्या जवाब आया पता है उनसे? ओ अंबेडकर इंडिया। यानी आज बाबा साहब ने हमारी पहचान विश्व में बना दी है, हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब ने विश्व में हमारी पहचान बना दी है। और आज मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे आपका पीएम बनना है या राष्ट्रपति बनना है, ज्यादा से ज्यादा तो राष्ट्रपति बना सकते हो, उसके ऊपर तो कोई पद है नहीं, और ये राष्ट्रपति भारत तक ही सीमित होता है, भारत तक ही। तो आप तो मेरा डिमोशन करा रहे हो बाबा, मेरा जन्म इस परिवार में होने के बाद, तुरंत बाद ही मेरे को इतना बड़ा पद मिला है जो विश्व में गौरवशाली पद है, जो मेरे नाम के पीछे रखता है अंबेडकर, ये उस राष्ट्रपति के पद से भी बड़ा है। आज भी मैं बाहर जाऊं तो वहां पर मुझे आदर से बुलाया जाता है, हमारे कॉन्फ्रेंस में से प्राइम मिनिस्टर को नेक्स्ट दर्जा है, अंबेडकर नाम के बाद का दर्जा उसको मिलता है, प्राइम मिनिस्टर को। तो ये मूवमेंट हम बाबा साहब की जो विजन है, जो बाबा साहब को उम्र नहीं मिलने के बाद नाते वो पूरा नहीं हो पाया, उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अभी किसी ने मुझे पूछा था, इतने लोग आएंगे फिर भी हमको तो कोई न्याय मिलने नहीं वाला, मुझे पता है नहीं मिलने वाला। राष्ट्रपति तक यहां का बिका हुआ है, वो आरएसएस का चुना हुआ है, वो आरएसएस का एजेंट है, वो हम राष्ट्रपति तक हमको न्याय नहीं देने वाला, तो फिर हम ये 26 नवंबर का खेल क्यों खेल रहे हैं? तो सबका तो टाइम वेस्ट है, सबकी एनर्जी वेस्ट है, वेस्ट नहीं जाएगी, ये वेस्ट नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए, भले ही भारत की ये सारी सिस्टम ब्राह्मणों के हाथ में चली गई हो, लेकिन आज भी विश्व के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं,